नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएल में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और उसका फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है। आज से 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका था। चलिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को फिलअप करना है, कि आपसे कोई गलती ना हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं यूपी पीसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से यहां डायरेक्ट आ जाएंगे दोस्तों। इसके बाद यहां पर आने के बाद दोस्तों, यहां पर सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा वैकेंसी और रिजल्ट का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी एंड रिजल्ट का ऑप्शन आपको ऊपर सबसे मिल जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, आप इसके दूसरे पेज पे चले जाएंगे जहाँ पर ये वैकेंसी आपको दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला ही एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ऑर्डर नंबर देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेरेंस आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर जेई रिक्वायरमेंट 2019, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लॉग इन फॉर रजिस्टर यूजर। तो अभी आप न्यू यूजर हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सिंपली आपको इस पर ओपन क्लिक करके जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सिंपली जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेरेंस आएगा यूपी पीसीएल के माध्यम से। ये लोडिंग होगा 100% का। तो इसके बाद लोडिंग होने के बाद चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसा पेज ओपन होगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार का ऑप्शन आएगा आपके पास। यूपी पीसीएल का फॉर्म ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर सिंपली आपको जो है एक एक स्टेप करके पर्सनल डिटेल इंटर करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नेम इंटर करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और मोबाइल नंबर इंटर करना है, और ईमेल आईडी इंटर करके कैप्चा इंटर करके कन्फर्मेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेना था। चलिए मैं इंटर करके रजिस्ट्रेशन करके पहले आपको दिखा देता हूँ, डिटेल फिलअप कर ली। दोस्तों पहले आपको बता दूँ, ये सारी डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन का 10th के मार्कशीट अपने इंटर करनी, जैसा 10th के मार्कशीट पे है। तो यहाँ पर इंटर करने के बाद, यहाँ पर सारी डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कैप्चा इंटर कर लिया, ईमेल आईडी कैप्चा इंटर कर लिया, और यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट। तो आपको ओके पर क्लिक कर देना अगर आप श्योर हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पेज लोडिंग लेगा, और चलिए दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो आपका इसके बाद रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता देख हूँ, सकते हैं आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा और सारी डिटेल नीचे शो होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको राइट साइड में ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर अब आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लियर हो चले जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से पेज लोडिंग होगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए ये दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पर बार बार ये आपको आएगा कि आप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कीजिए, या गूगल क्रोम, या मोजिल्ला फायरफॉक्स का न्यू वर्जन यूज कीजिए। तो यहाँ पर चलिए ओके कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्टेप दिखाया जा रहा है। सबसे पहला है पर्सनल डिटेल, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फीस पेमेंट है। 3 स्टेप में फार्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल में, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको नोटिस दिखाई जाएगी एडवर्टाइजमेंट से संबंधित। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया पोस्ट, पोस्ट नेम एक ही है जूनियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम एक ही जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए। तो सिंपली यहाँ पर नीचे चले जाना है, नीचे आएंगे तो पर्सनल डिटेल आपका शो करेगा जो पहले से इंटर किए हैं, और बाकी आपको सेलेक्ट करने जाना है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है मेल फीमेल जो भी जेंडर सेलेक्ट कर लेना, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर लेना। चलिए मैं इंटर करके दिखा करने देता के बाद हूँ। सिंपली आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर लेना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना हाई स्कूल के मार्कशीट से। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे, नहीं तो अनमैरिड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पर आपका जो ईमेल मोबाइल पहले से शो करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर अपना इंटर कर लेना है, आधार नंबर इंटर कर लीजिए। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, कि आप उत्तर प्रदेश के हैं यहाँ पर कि अदर स्टेट के। तो अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट। तो अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश चूज करता हूँ। उत्तर प्रदेश चूज करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी अप्लाइड कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी है, या सर्विस मैन जो भी हैं। तो आप यहाँ पर, मैं फिजिकली हैंडीकैप से अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कास्ट, यहाँ पर कास्ट आपको शो करनी पड़ेगी। अगर जो भी जनरल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कास्ट इंटेंसिटी यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए।
तो मैं एस सी सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ टाइप आप अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो ये आपके लिए ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं चूज कर लेता हूँ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी केवल कैंडिडेट के लिए है और बाकी कैंडिडेट के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है वीदर यू हैव कम्प्लीटेड अप्रेंटिसशिप, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर जो है आप यस करें नहीं तो नो करें। यहाँ पर देख सकते हैं अगर अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत किया है तो यस करें नहीं तो नो कर लें। तो अगर आपने कर लिया है तो यस करें नहीं तो नो कर लें, अगर यस करते हैं तो उसकी डिटेल इंटर करने की विधि। इसके बाद दोस्तों एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है, अपना विलेज पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, स्टेट चॉइस कर लेना है, पिन कोड इंटर कर लेना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेना है, नीचे अपने आप फिलअप हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, इतना डिटेल इंटर करने के बाद सिंपली। तो यहाँ पर चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर करने के बाद डाटा है सेव्ड सक्सेसफुली, तो इसको ओके कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा स्टेप होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले टेंथ की डिटेल देख सकते हैं, तो क्वालिफिकेशन आप हाई स्कूल टेंथ की डिटेल इंटर करनी है। तो यहाँ पर चलिए क्वालिफिकेशन हाई स्कूल सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछा गया प्लीज इंटर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या टेंथ, टेंथ का जो है क्वालिफिकेशन का जो है नेम इंटर करना है, तो इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है या बोर्ड का नेम इंटर कर लीजिए या आपने जो है किस मतलब साइंस से किया है या आर्ट से किया इंटर कर लीजिए, वैसे बोर्ड का नेम ही यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर बोर्ड का नेम इंटर कर लीजिए, यूपी बोर्ड है अगर तो आप यूपी बोर्ड, या अगर कोई और बोर्ड हो तो यहाँ पर कोई और बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो। ईयर आप पासिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद परसेंटेज इंटर कर लीजिए, ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड इंटर कर लीजिए, नहीं तो परसेंटेज इंटर कर लीजिए। ऐसे ही अगर आपने इंटर किया 10+2 कर रखा है, अगर इंटरमीडिएट कर रखा है तो यहाँ पर ये ऑप्शन फिलअप करिए, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है, स्टार नहीं लगा, कंपलसरी नहीं है। जिन्होंने ट्वेल्थ किया वही अप्लाई इसको फिलअप करें, नहीं तो जिन्होंने टेंथ से डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो इसको फिलअप नहीं करेंगे। यहाँ पर नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर डिप्लोमा डिटेल है, डिप्लोमा डिटेल में सबसे पहले आपको चूज करना है एग्जामिनेशन में, यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका डिप्लोमा किससे है, 3 इयर्स डिप्लोमा एग्जामिनेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या अदर, तो ये केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज कर लेते हैं। फिर ये डेट ऑफ पासिंग, डेट डेट सहित पासिंग ईयर लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पर चलिए डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका जो है पासिंग ईयर है और डेट है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब कॉलेज का नेम आपको इंटर कर लेना है, जो भी आपका कॉलेज का नेम हो यहाँ पर इंटर कर लीजिए। तो चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ। कॉलेज का नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज, ग्रेड परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज आपको इंटर कर लेना है, जो भी आपका परसेंटेज रहा हो डिप्लोमा में, तो यहाँ पर परसेंटेज चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ। परसेंटेज इंटर करने के बाद देख सकते हैं सिंपली आपका ये क्वालिफिकेशन का डिटेल फिलअप हो गया है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं डाटा है सक्सेसफुली सेव्ड, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा इंटरफेस। और इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या अपलोड करना है, तो चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, इसकी साइज़ कितनी होगी, साइज जो शुड बी 80 KB, मतलब मैक्सिमम 80 KB होगी मैक्सिमम, और फॉर्मेट हमारा JPG या JPEG फॉर्मेट होगा। और फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करना, सिग्नेचर भी 80 KB का ही होगा मैक्सिमम, और फॉर्मेट वही होगा। इसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो 700 रुपये, और जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपये की पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर फोटो अपलोड कर लेता हूँ पहले मैं। यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर ब्राउजर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, यहाँ से जो भी फोटो आपको अपलोड करना है उस पर क्लिक कर लीजिए, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा और फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद क्लोज कर लीजिए, और यहाँ पर फिर इसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो इसके बाद इसको क्लोज कर लीजिए। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए सिंपली, और यहाँ पर जो है ब्राउजर पर फिर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से फिर से गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर जो भी सिग्नेचर है आपका क्लिक कर लीजिए। जैसे सिग्नेचर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी
अपलोड हो जाएगा, तो देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोडेड, तो ये इसको क्लोज कर लीजिए। तो आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया। फिर से आप देखना चाहें तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर शो करेगा फोटो और सिग्नेचर शो करेगा। इसके बाद जो है तो दोस्तों आपको फीस पेमेंट करनी है, मैंने फीस पहले ही बता दी है। अगर आप PWD के कैंडिडेट हैं तो ₹10 की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और नीचे सिंपली आपको कैप्चा फिलअप कर लेना है, ये जो कैप्चा है इसको इंटर कर लेना है और जो है सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं कैप्चा पहले इंटर कर लेता हूँ, कैप्चा इंटर कर लिया है। इसके बाद जो है आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद चाहे तो प्रीव्यू करके आप प्रीव्यू करके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट करना चाहें तो सबमिट कर देते हैं। तो मैंने डिटेल चेक कर ली, तो चलिए सबमिट कर देता हूँ। आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं, देख सकते हैं प्लीज़ इंटर करेक्ट। तो यहाँ पर कैप्चा थोड़ा लगता है गलत हो गया, तो यहाँ पर फिर से कैप्चा इंटर कर लेते हैं। इंटर कर लिया, आप सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं पेज लोडिंग लेगा। चलिए अब दिखा देते हैं, आप ये डायरेक्ट आपको पेमेंट की वेबसाइट पर ले जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट के लिए आपको ये किसी भी नेट बैंकिंग अगर यूज करते हैं तो यहाँ SBI से करेंगे, तो ये SBI के लिए SBI पर क्लिक करेंगे। अदर बैंक के चार्ज के लिए नेट बैंकिंग से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ₹70.70 का आपका चार्ज देना होगा। इसके अलावा आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से यहाँ पर क्लिक करें, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड से ₹12.98 क्रेडिट कार्ड है। और फिर अगर आप चालान मोड से करते हैं यहाँ पर बैंक मोड से, तो यहाँ पर जो है आपको ₹59 का जो है पेमेंट अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आप चाहे जिसके माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए मैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है आपके सामने ऐसा इंटरफेरेंस आएगा, इसको कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद जो है फिर से कन्फर्मेशन आएगा और फिर से कन्फर्म कर लेना है। जैसे ही आप दोबारा कंफर्म कर लेंगे तो चलिए अब यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की डिटेल इंटर करने के लिए आएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना कार्ड नंबर इंटर कर लेना है और उसकी एक्सपायरी डेट इंटर कर लेनी है, कार्ड होल्डर का नेम और CVV कोड इंटर करके कैप्चा इंटर करके पे पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इंटर करके उसके बाद जो है दिखाता हूँ आपको पे करके। डिटेल इंटर करने के बाद अपने कार्ड की जो है आप पे पर क्लिक कर देंगे, कैप्चा इंटर करके पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो चलिए पे पर क्लिक कर देते हैं। तो पे पर क्लिक करने के बाद ये लोडिंग होगा और आपके सामने जो है ऐसा कुछ इंटरफेरेंस आएगा और आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी जाएगी। तो OTP आपको इंटर कर लेना है यहाँ पर और इंटर करके जो है आपको पेमेंट कर देना है। तो चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ। इंटर करके आपको सिंपली जो है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस, जैसे फीस पेमेंट आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको वेट करना है कुछ समय का और डायरेक्ट आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने पेमेंट के वेबसाइट पर। सकते हैं डायरेक्ट आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपका सारा डिटेल शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डिटेल शो होगा और सबसे लास्ट में फोटो सिग्नेचर और सबसे लास्ट में यहाँ आपकी फीस शो होगी कि सक्सेसफुल हुई कि नहीं। देख सकते हैं ये ₹10 पेमेंट सक्सेसफुल, तो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इस प्रकार आपका जो है फार्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं इस प्रकार आपका फार्म पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सारी डिटेल आपकी डिप्लोमा की डिटेल और बाकी हाई स्कूल और ट्वेल्थ की अगर आपने डिटेल फिलअप की तो ट्वेल्थ की डिटेल शो होगी, सारी डिटेल शो होगी। दोस्तों बता दूं कि अगर आप बीच में बाय चांस आपका जो है लॉग आउट हो जाता है, मतलब ईरर हो जाता है किसी कारण से, आप तो यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से आप लॉगिन भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप होम पेज पर चले आएंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन है जो है लॉगिन फॉर रजिस्टर यूजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड जो है इंटर करेंगे जो कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर पहले से भेजा जा चुका है। तो उसको इंटर करके कैप्चा इंटर करके आप लॉगिन होकर आराम से वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रिंट करके आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। किसी कारण से आप लॉग आउट हो जाते हैं, पेज ईरर हो जाता है, तो आप फिर से यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपके सामने ऐसा डिटेल शो होगा, तो यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ सारी डिटेल आपकी शो हो जाएगी। या जो है अभी आप आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो तो आपके आगे यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल मेरी हो चुकी है। तो इसको आप प्रिंट कर चाहें तो इसको सेव करके रख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट कोई प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको शेयर गूगल क्रोम का अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको प्रिंट कर लें, प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। देख सकते हैं आसानी से ये प्रिंट हो जाएगा, तो देख सकते हैं इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं इसका पेज निकाल के। तो दोस्तों इस प्रकार आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कहीं भी किसी स्टेप में फीस पेमेंट में, तो आप मुझे कमेंट करें, उसका जो है जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।